तो भैया कहते हैं कि शहर के जितने रंग हैं उतने नाम। आप इसे बनारस कहिए, वाराणसी कहिए या फिर काशी, अर्थ और आस्था वही रहेंगे। कहा जाता है कि बनारस की जाम और बनारस की पान काफ़ी फेमस है बनारस में, तो हमें देखने को सबसे पहले मिला बनारस की जाम और कड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग भी निकल पड़े बनारस की जाम से। हाँ तो भैया 6 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच चुके थे बनारस और सबसे पहले हम लोग गए अपने होटल। होटल में हम लोगों ने कुछ देर आराम किया, उसके बाद हम लोग निकल पड़े बनारस घूमने भोलेनाथ की नगरी। तो ये है बनारस की गोतलिया चौराहा और आप इसी जगह से जा सकते हैं गंगा घाट या काशी विश्वनाथ मंदिर या बनारस के कोई भी घाट आपको जाना हो तो आप इस जगह से जा सकते हैं। तो ये गदौलिया चौराहा है जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, और अभी हम लोग जा रहे हैं विश्वनाथ टेम्पल यहाँ से, और बस चलते हैं विश्वनाथ टेम्पल और आपको वहाँ से दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और बनारस की धरती पर आकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और क्या बताऊँ, एक बहुत अच्छा वाइब आ रहा है यहाँ पर आके और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। और बैक कैमरे से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। लोगों का यहाँ मानना है यहाँ मरने पर मोक्ष मिलता है, अगर सच पूछो तो बनारस आपको मरना नहीं जीना सिखाता है। गोदौलिया चौराहा से इसी रास्ते से आएंगे और ये देख रहे हैं, और यही जाती है काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता, यहाँ से सीधे जाना पड़ता है इसी रास्ते से, और यही रास्ता है जो काशी विश्वनाथ जाता है रास्ता। तो एक बार आपको अच्छे से दिखा देते हैं, तो इसी रास्ते से सीधे आप चले जाइएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं, और गोदौलिया मोड़ से आप इसी रास्ते से आइएगा और यहीं से आप राइट हो जाइएगा और यहीं से आप चल जाइए काशी विश्वनाथ मंदिर। मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में कराया गया था। गंगा किनारे बसा काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। भगवान शिव को काशी का राजा भी कहा जाता है। तो अभी जस्ट हम लोग आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से भोले बाबा का दर्शन करके, और वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है जिस वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मंदिर काफ़ी बड़ा है, अंदर से काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। एक बार आप जरूर आइए क्योंकि मंदिर काफ़ी अच्छा है, एक बार जरूर ही बहुत एक अच्छा सा सुकून मिलेगा टाइप का आपको, और मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है वहाँ पर जाने पे, और भोले बाबा का दर्शन हो गया और उससे अच्छा क्या बात है। और कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ यहाँ के राजा हैं, तो काल भैरव यहाँ के कोतवाल, तो अगर आप काशी विश्वनाथ आ रहे हैं और काल भैरव का दर्शन ना करें तो ये यात्रा सफल नहीं होता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव का दर्शन करने के लिए, और अभी हम लोग काशी विश्वनाथ से दर्शन कर ही लिए हैं, तो बस चलते हैं आगे और चलते हैं काल भैरव का दर्शन करने के लिए। एक बड़ी ही मज़ेदार कहावत है बनारस के बारे में कि सब कुछ भूल कर यहीं के रह जाओगे, दिल का एक टुकड़ा बनारस ही छोड़ जाओगे। तो बात है इस शहर में।
इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था। काशी में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि पहले काशी कोतवाल की पूजा फिर कामदूजा। मान्यता ये भी है कि काशी में कोई भी शुभ काम करने से पहले बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने काल भैरव का दर्शन कर लिया है और एज यूजुअल यहाँ भी मंदिर के अंदर फोटो लेना वीडियो लेना अलाउ नहीं है। तो बस जो वीडियो लिया वो तो आप देख ही चुके होंगे। तो भगवान विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करके हम चल दिए बनारस की लोकल फूड ट्राई करने। तो हम लोग आ चुके थे गणपति जलपान गृह, जो कि बनारस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये शॉप, और हमने यहाँ टेस्ट किया कचौड़ी चाट और समोसे चाट। बहुत टेस्टी है। तो बनारस की लोकल फूड ट्राई करने के बाद हम चल दिए बनारस की बनारसी पान टेस्ट करने, और इस पान को टेस्ट करके बताएंगे हमारे मित्र यानी सौरभ, और बताएंगे वो कैसा लगा उनको बनारस का पान। इधर देखिए आप, बताइए बनारस का पान खाए कैसा आपको फील हो रहा है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, आप ट्राई किए कि नहीं पान? अभी ना किए हैं, मगर करने वाले हैं पास में। कुछ बताइए, अभी आज आपने बनारस घूमा, बनारस का आज कुछ अनुभव बताइए, क्या हो रहा है आपको? जा पूछ क्या।